अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल कुकिंग मैसिना। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ में, आपके साथ में मैं शेयर करना चाहती हूँ। आज हम बनाएंगे सीख मसाले से सीख कबाब। सीख मसाले से सीख कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो चीज़ें ऑलरेडी पहले ही डाल चुकी हूँ। मुझे ऐसा लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं ये इसका रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने आधा किलो खीमा लिया है। आधा किलो खीमे में मैंने 1/4 किलो सीख मसाला डाला है। सीख मसाला हमें मार्केट में ईजीली मिल जाता है, ईद का मौका है तो आसानी से और भी आसानी से मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आधा किलो कीमे के अंदर, ये मशीन का कीमा लिया है, मशीन के कीमे के अंदर मैंने 1/4 किलो सीख मसाला डाला है। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। इस सब सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर मिक्स करके रखा हुआ है, देख सकते हैं। इस तरीके से पूरा मैंने कीमे के साथ मसाले को मिक्स किया हुआ है, एक अच्छा कीमा यूज़ किया हुआ है। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक अंडा, यहाँ पर मैंने 5 से 6 ब्रेड के स्लाइस क्रम्स करके लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। ये हमें इसलिए डालना है ताकि जो कबाब है हमारे फटना नहीं चाहिए, इसलिए हमने इसमें ब्रेड का क्रम्स यूज़ किया है। अब साथ में हम डालेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून जितना बेसन। यहाँ मैं बेसन डाल रही हूँ, आप कच्चा भी डाल सकते हैं, रोस्टेड भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डाल दीजिए। नमक यहाँ पर आप पूरा मिक्स करें, उसके बाद आप चेक करें इसमें नमक की कितनी ज़रूरत लगती है हमें। एकदम इसे गीला नहीं रखना है, अगर थोड़ा ये थीन होता है तो आप इसमें और ब्रेड के क्रम्स यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप ये डिलीशियस कबाब बना सकते हैं सीख मसाले से। अगर आपने नहीं ट्राई किया, कभी नहीं बनाया है, तो इंशाल्लाह एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपी को, लास्ट तक पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आपके घर में भी जो भी खाएगा उन्हें ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई करिए। जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तो हमें इसका टेस्ट नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं आपसे हमेशा कहते रहती हूँ एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए इस तरीके से होना चाहिए कंसिस्टेंसी के, एकदम कि ये इजीली बन जाए हमारे हाथों से। नरम नहीं रहना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है ये इसका आटा नरम हो गया है, खीमे का पानी छूट गया है, तो आप इसमें और ब्रेड क्रम्स या बेसन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने नमक नहीं डाला है, नमक पूरा डालने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे। इसी तरीके से ये चीज़ है जो स्पून से नहीं मिक्स होगी, इसमें हमें हाथों का ही यूज़ करना पड़ेगा। अच्छे से हाथ को वॉश कर लीजिए और इसके कबाब बना लीजिए, मिक्स इसका मिक्सचर रेडी कर लीजिए। देखिए इस तरीके से हमें रेडी करना है और इसे 5 से 10 मिनट के लिए हमें साइड में रखना है ताकि जो ब्रेड है हमारा और फूलकर अच्छे से एकदम बाइंड हो जाए इसके साथ में मसाले के साथ। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत ही डिलीशियस है। इसमें कोई चीज़ का आपको एडिशनल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें हरी मिर्ची का पेस्ट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं आपके टेस्ट के मुताबिक। जितना आप तेज़ खाना चाहते हैं, जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उतना डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर नहीं यूज़ किया है क्योंकि ये मुझे एकदम परफेक्ट लगता है इस वजह से। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक को 1 टीस्पून मैंने डाला है यहाँ पर। अब अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए, वरना ऐसा ना हो ज़्यादा हो जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे और इसकी कबाब या सीख बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ आपको 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख देना है इसे। यहाँ मिक्सर को रख के 10 मिनट हो चुके हैं, अभी हम बनाना स्टार्ट करेंगे। आपको लेना है एक पोर्शन, थोड़ा सा छोटा सा, इसे हम इतना ड्राई है कि इजीली बन जा रहा है। देखिए इसको आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो चुकी है। अब जितने साइज़ का सीख बनाना चाहते हैं उतनी साइज़ की इसको गोल बनाइए। अब हम लेंगे यहाँ एक पेंसिल, और पेंसिल को बीच में से डालकर इस तरीके से आपको इसे गोल गोल ऐसे घुमाना है, जिस तरीके से हम शॉर्पन करते हैं उसी तरीके से बिल्कुल थोड़ा ऐसे शेप दे देंगे। हम साइड से पैक कर देंगे बिल्कुल इसी तरीके से, आपको
सारे सीख बना के रेडी करना है। अब आहिस्ते से हम इसे पीछे की तरफ से इस तरीके से निकालेंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से सारे सीख हम रेडी करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमें सारे सीख को तैयार करेंगे हम। और इसे सारी सीख रेडी होने के बाद इसे हम डीप फ्राई करके लेंगे। इस तरीके से हमें सारे सीख रेडी करना है। चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। तेल को अच्छे से एकदम पहले गर्म होने देंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को लो करेंगे और एक एक करके सारी सीख को हम फ्राई करके लेंगे। पहले सीख डालोगे तो दो मिनट के लिए आपको उसे टच नहीं करना है, आपको नहीं पलटाना है इसे। पहले अच्छे से एक तरफ से फ्राई होने दीजिए, फिर उसको टर्न करके दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। तेल अच्छा गर्म हो चुका है, यहाँ पर सीख को दोनों तरफ से मैंने शेप दे दिया है, होल आया है। देखिए हम डालेंगे, बिल्कुल दो मिनट के लिए आपको उसे टच नहीं करना है, स्लो फ्लेम पे इसे पकने देना है। दो मिनट बाद हम इसे टर्न करेंगे, एकदम हल्के हाथ से उसे टर्न करना है। आपको इतना ऑयल रखना है कि ये जो बीच का जो सेंटर पार्ट है ये दोनों तरफ से बराबर कवर हो ऑयल इसमें, ताकि एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए। सेकेंड साइड से हम टर्न करेंगे इसे। देखिए इसी तरीके से हमें सारे सीख रेडी करना है। इसका कलर थोड़ा डार्क ही आएगा क्योंकि हमने इसमें सीख का मसाला डाला है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ में। इसे अच्छे से गोल्डन होने दीजिए, गोल्डन ब्राउन होने दीजिए, उसके बाद आप इसे गर्मा गर्म खाइए। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, दुआ मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।